आज हमारे साथ 64वीं बीपीएससी में ब्लॉक माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर के पद पर चयनित गुंजन जी जुड़ेंगे। गुंजन जी से हम बातचीत करेंगे, उनकी ये सफलता का सफर असफलता तय करते हुए सफलता की ओर कैसे उन्होंने तय किया, साथ ही साथ उनका दर्शन शास्त्र वैकल्पिक विषय है ते भी जानने की कोशिश करेंगे कि दर्शन शास्त्र वैकल्पिक विषय को उन्होंने हिंदी में कैसे तैयारी की और उनके जो अंक प्राप्त हुए हैं 181 यानी कि बहुत ही औसम नंबर इन्हें मिला है दर्शन शास्त्र में। साथ ही साथ ये हेलो गाइज की संस्कृति वाले जो अधिकारी आज बन रहे हैं उससे अलग हटकर देसी गांव देहात से जुड़े हुए एक ऐसा अधिकारी जो आपके साथ गांव स्तर पर जुड़कर कार्य करे और बिहार को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में मददगार साबित होंगे। तो गुंजन जी, आपका एजुकेशन निकेतन के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। पहले तो आपको इस सफलता के लिए बधाई। धन्यवाद जी। बताइए अपने बारे में कुछ व्यूअर्स को। मेरा नाम गुंजन है और मैं 64वीं बीपीएससी में माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर के पद पर सफलता प्राप्त की है और यह मेरा छठा प्रयास था। 48वीं 52वीं से लेकर आज तक मैं लगातार मेंस लिख रहा था और मुझे पहली बार इंटरव्यू देने का मौका बीपीएससी में मिला और अंत तक मैं सफल रहा और मेरा रैंक 875 है। गुंजन जी, यहीं से एक सवाल बनता है कि जब विद्यार्थी एक असफलता की दौड़ लंबी होती जाती है उस दौड़ में सबसे बड़ी जो चुनौती आती है वो धैर्य रखने की आती है, क्योंकि धैर्य खोने लगते हैं लोग। जी जी। परिवार का भी साथ धीरे धीरे कुछ दो तीन अटेम्प्ट के बाद कम होने लगता है, मित्रों को भी लगने लगता है, जो आप में विश्वास है वो लोगों का कम होने लगता है। तो ऐसी स्थिति में धैर्य कैसे बनाए रखे स्टूडेंट, क्योंकि बीपीएससी जैसे परीक्षाओं में चाहे संघ लोक सेवा परीक्षा में एक लंबी दौड़ होती है। मेरा तो जो जीवन है वो काफी डाइवर्सिफाई रहा है, ये भी जानते हैं। मैं पढ़ाई करने आया था, पढ़ाई से अन्ना आंदोलन और उसके बाद पॉलिटिक्स और वापस अपनी पढ़ाई में लौटना। लेकिन इस बीच में अगर मैं अन्ना आंदोलन और पॉलिटिक्स में रहा, फिर भी मैं बीपीएससी का लगातार मेंस लिखता रहा। और यही नहीं, आपने जो सवाल किया कि आपने धैर्य कैसे धारण कर रखा, तो सबसे पहले होता है कि शुरुआती दौर में तो मैं 14 घंटे 12 घंटे पढ़ाई करता था। अब कितना पढ़ा जाए, लगातार कई सालों से पढ़ने के बाद फिर मुझे लगा कि सिर्फ मुझे पढ़ाई ही नहीं करना है, समाज में भी कुछ योगदान देना है। तो जब भी मेरा मन विच्छिन्न होता रूम में, मुझे लगता कि सारी किताबें तो मैं पढ़ चुका हूँ, तो ऐसे में पेड़ लगाने के काम में मैं लग जाता। और दिल्ली में मुखर्जी नगर में बत्रा बांध पर उन पेड़ों को आपने भी देखा होगा, 1000 से ऊपर पेड़ लगाए जिसमें से 150 अभी बचे हुए हैं। उनको रोज पानी देना, उनकी देखभाल करना और बच्चों के बीच में हमेशा सामाजिक चेतना और राजनीतिक चेतना के माहौल में ही मैंने सफलता प्राप्त की है। लेकिन एक जो सवाल है कि सही में आप ये बात जो पूछ रहे हैं, सही में हमारे गार्जियन हो वो भी धैर्य खोने लगे थे, हमारे दोस्त भी धैर्य खोने लगे थे और वो सब बोलते थे कि तुम बीपीएससी के लिए नहीं बने हो, तुम इस फील्ड को छोड़ दो, उम्र बीती जा रही है। मैंने बोला कि मेरा होगा और मैं जानता हूँ कि मेरा होगा और 64वीं बीपीएससी को लेकर मैं बहुत ज्यादा आश्वस्त था कि मेरा होगा। मैं दिल्ली में रूम छोड़ रहा था, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, तो दोस्त लोग कह रहे थे रूम मत छोड़ो, अभी हो सके तुम्हें फिर तैयारी करने आना पड़ेगा। मैंने बोला कि नहीं, अब मेरे दिल के अंदर की आवाज आई है कि मेरा हो रहा है, इसलिए मैं फाइनल रूम छोड़कर जा रहा हूँ। अब दिल्ली लौटना इस रूप में नहीं है कि तैयारी करना पड़ेगा, अब दोस्तों को बीच में मिलने आऊंगा और आगे कुछ और काम करूंगा, अभी तो तत्काल वेलफेयर ऑफिसर के पद पर रहकर बिहार की सेवा कर। जी गुंजन जी, दूसरा सवाल यह है कि दर्शन शास्त्र के लेकर एक बच्चों में एक भ्रम की स्थिति है कि दर्शन शास्त्र में केवल इंग्लिश माध्यम के विद्यार्थियों को ही नंबर मिलते हैं, हिंदी विद्यार्थियों को नंबर कम मिलते हैं। आपने हिंदी माध्यम से 181 अंक प्राप्त किए हैं जो कि अपने आप में एक बहुत अच्छा अंक है। तो अब दर्शन शास्त्र के जो विद्यार्थी 66वीं बीपीएससी में या 67वीं बीपीएससी में इस विषय के साथ परीक्षा देने जा रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे, उनके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए? सर, 48वीं 52वीं से लेकर अभी तक मेरा सब्जेक्ट रहा फिलोसफी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में, और जब तक दो ऑप्शनल सब्जेक्ट था मेरा हिस्ट्री था साथ,
लेकिन जब से एक ऑप्शनल हुआ तो मैंने फिलोसफी को ही रखा, और चूंकि मेरा ऑनर्स भी फिलोसफी रहा है बीएच यूनिवर्सिटी से, तो फिलोसफी में मेरी पकड़ अच्छी थी। लेकिन उसके बावजूद भी इससे पहले जब मैं मेंस दे रहा था तो मैं इतना अंक कभी नहीं ला पा रहा था। तो कहीं ना कहीं वो जो एक दार्शनिक जैसा सोच होना बहुत जरूरी है, सिर्फ फिलोसफी ले लेने से सफल कोई नहीं होता। और ऐसा नहीं है कि इंग्लिश मीडियम के लड़के ही फिलोसफी से सफल होते हैं। आपकी सोच अच्छी है, आपकी लेखन शैली अच्छी है, और आप विषयों की गहरी समझ रखते हैं और गहरा चिंतन शैली है, तो आप दर्शन शास्त्र से हिंदी मीडियम में भी 181 अंक प्राप्त कर सकते हैं, जैसा कि मैंने प्राप्त किया है 300 में 181, जो शायद 75% के आसपास है। तो मुझे लगता है कि कोई भी हिंदी मीडियम का स्टूडेंट अच्छा अंक ला सकता है, बशर्ते अपनी गहरी चिंतन शैली को रखे और लेखन शैली को इम्प्रूव करे, और कोई भी सवाल जो बीपीएससी में पूछा जाता है उन सवालों का घर पर कम से कम 4-5 बार लिखने का प्रयास करें। मेरा मानना है कि लड़के उसे सिर्फ एग्जाम में ही लिखते हैं, बाकी समय पढ़ते रहते हैं, इसलिए असफलता में वो भी एक कारण बनता है। ऐसा कुछ मेरे साथ भी हुआ है। गुंजन जी, आपने कहीं से दर्शन शास्त्र की क्लासेस ली या खुद के नोट्स बनाए या किसी कोचिंग मटेरियल का यूज किया? अमित भाई, मैं आया था यूपीएससी का तैयारी करने दिल्ली में, तो उस दौरान मैंने इग्नाइटेड माइंड्स से अमित कुमार सिंह से कोचिंग ली थी फिलोसफी की, और मुझे वो सर काफी प्रभावित किए थे। लेकिन 2010-11 के बाद मैंने कभी कोई कोचिंग, उसके बाद मैं जब लगातार बीपीएससी देता रहा तो सेल्फ स्टडी ही किया, और सर के नोट्स को और अपनी समझ के अनुसार और कुछ किताबें जो मुखर्जी नगर में उपलब्ध हैं फिलोसफी की, उन्हीं किताबों में से कुछ कुछ पॉइंट्स को पढ़कर मैं अपने आप को लगातार इम्प्रूव करता रहा। और शुरुआती दौर में मैंने कोचिंग लिया, लेकिन बाद में मैंने कोई कोचिंग नहीं लिया। मैं तो अंतिम समय में खुद बच्चों को पढ़ाता था, फिलोसफी पढ़ाने का मौका नहीं मिला। लेकिन कोई भी लड़का जो या कोई लड़की मेरे से पर्सनली मेरे रूम पर आकर मार्गदर्शन मांगते थे फिलोसफी में, तो मैं उन्हें बताता था कि उसे कैसे लिखना है। मैं ज्यादातर उन्हें लिखना सिखाता था। गुंजन जी, इंटरव्यू में भी आपसे दर्शन शास्त्र से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे गए क्या? हाँ, इंटरव्यू में लगभग 10 मिनट हमसे दर्शन शास्त्र से संबंधित प्रश्न पूछे गए। टोटल इंटरव्यू 27 मिनट तक चला। तो दर्शन शास्त्र में मुझसे सुकरात का दर्शन, प्लेटो का दर्शन, प्लेटो का शिष्य कौन था, और फिर अरस्तु का शिष्य कौन था, ऐसे प्रश्न पूछे गए। उसके अतिरिक्त हमसे पूछा गया जैन दर्शन और जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या अंतर है और क्या समानता है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल ये पूछा गया कि गांधी और कार्ल मार्क्स में क्या समानता है। मैं तो आज तक ये मानकर चलता था कि लोग दोनों का विरोध पूछेंगे, अंतर पूछेंगे, विपरीत चीज पूछेंगे, लेकिन समानता पूछी गई। तो मैंने इसका बहुत सही आंसर दिया और अच्छा आंसर दिया कि व्यक्ति की स्वतंत्रता के मामले में उन दोनों के दर्शन में समानता दिखाई देता है, गांधी और कार्ल मार्क्स। गुंजन जी, आप आने वाले विद्यार्थियों को क्या संदेश देना चाहेंगे अंत में इस इंटरव्यू के? अगर कोई लड़का अगर मेरे जीवन शैली के आधार को देखे तो मैं उसे मना करूंगा कि आप मुझे ना फॉलो करें, क्योंकि मेरा जीवन बहुत डाइवर्सिफाई रहा है और हर लड़का गुंजन नहीं बन सकता। लेकिन मेरे से एक चीज वो जरूर सीख सकता है, वो है धैर्य। मैं 48वीं 52वीं से लेकर आज तक लगातार मेंस लिखता रहा और एक ही बार मुझे इंटरव्यू देने का मिला 64वीं में, और फाइनली में क्लियर हुआ। तो एक तो वो धैर्य रखे, एक दूसरा वो लेखन शैली को इम्प्रूव करे, और घर पर रहकर जब वो पढ़ाई करता है तो वो अपनी लेखन शैली बराबर अच्छी करे, ये नहीं कि एग्जाम में लिखे। दूसरा, कभी भी कोचिंग शुरुआती दौर में कोई स्टूडेंट ना ले, सेल्फ स्टडी करे, खुद पढ़ाई करे, और जब उससे लगे कि मैं अब काफी पढ़ चुका हूँ और मेरा नॉलेज काफी ज्यादा है, तब वो जाकर ये कर सकता है, कोचिंग ले सकता है।
और रहा इंटरव्यू की बात, तो वो अंतिम मंजिल है और उसमें भी अच्छा अंक प्राप्त करना चाहिए। ऐसे में आपको सामाजिक होना बहुत जरूरी है। अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ पढ़ाई करने के बाद हम डायरेक्ट इंटरव्यू में अच्छा नंबर ला पाएंगे, यह मुझे नहीं लगता है। आपको एक सामाजिक स्वरूप आपका होना चाहिए, आप लोगों से मिले जुले ज्यादातर बातचीत करें और एक इंटरव्यू जैसा माहौल अपने जीवन में हर समय रखें। बड़े बड़े अधिकारियों से मिले जाएं, उनको फेस करें अपने जीवन में, जब जब मौका मिले बड़े बड़े अधिकारियों से नेताओं से मिले और उन्हें फेस करें, उनसे बात करें। उनको कोई फियर नहीं रहेगा इंटरव्यू के समय में, क्योंकि इंटरव्यू में जब मैं गया था तो मुझे कोई फियर नहीं था। इंटरव्यूअर मुझे कभी भी प्रभावित नहीं कर पाए, वो मुझसे बहुत खुश हुए। मेरा 27 मिनट तक इंटरव्यू चला, वो चाह रहे थे कि मेरा 10-15 मिनट और इंटरव्यू लें, लेकिन हुआ ये कि मैं सबसे पहले नंबर पर था और अन्य लड़कों का भी लेना था, इसलिए उन्होंने मेरा इंटरव्यू घटा दिया। बोला कि नहीं 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 एक ने बोला कि नहीं, इतना ज्यादा इनका लेंगे तो दूसरों का समय काटना पड़ेगा। तो बस यही बोलना चाहूंगा है सबसे। जी गुंजन जी, आपकी इस वार्ता से बच्चों ने एक चीज तो सीख ली होगी कि अगर आपने राज्य लोक सेवा आयोग या संघ लोक सेवा आयोग की तैयारी का निर्णय ले लिया है तो धैर्य जो है इसमें सबसे बड़ा हथियार है, और इसी हथियार के सहारे आपको धीरे धीरे आगे बढ़ते जाना है और अंततः सफलता जरूर मिलेगी अगर आप मैदान छोड़ के नहीं हटते हैं। तो गुंजन जी की कहानी सुनती तो जरूर आपको सीख मिलनी चाहिए। गुंजन जी, आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, इसके लिए धन्यवाद। मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूं कि मैं जिस भी पद पर हूं उस पद पर बहुत अच्छा काम करूंगा और बहुत जल्दी ही मैं फिर से चर्चा का केंद्र बनने वाला हूं कि एक बिहार को एक करक ऑफिसर मिला है और एक ऐसा ऑफिसर जो किसी भी पद पर आकर सेवा कर सकता है। धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम। नमस्कार।